नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कर्मचारी चयन आयोग के लंबित पड़े परीक्षा परिणामों को जल्दी से जल्दी घोषित करे और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां करे। उन्होंने कहा कि लाखों युवा इन परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी थी, लेकिन 7 महीने हो गए हैं और अब तक एक भी भर्ती नहीं निकाल पाई है, जबकि पिछली सरकार के द्वारा निकाली गई भर्तियों के परिणाम रोक के रखे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हजारों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हो गई है, लेकिन सरकार जानबूझकर इन परीक्षाओं के परिणाम नहीं निकाल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की कुछ पोस्ट कोड में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन पोस्ट कोड में पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है, सरकार जल्दी से जल्दी उनके परिणाम घोषित करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और उस दिशा में इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमने निर्णय कर लिया है कैबिनेट में कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में देगी, लेकिन आज 7 महीने के लगभग बीतने को जा रहे हैं, अभी तक परिणाम शून्य है। और हमीरपुर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे भंग कर दिया गया, और मेरा ये मानना है कि भंग करने की आवश्यकता नहीं थी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात थी और कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात के लिए हम सब लोग सहमत हैं, लेकिन उन बेरोजगार नौजवानों ने जिन्होंने रात दिन परिश्रम करने के बाद परीक्षा दी थी उनका परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया। और मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 40 पोस्ट कोड के भर्ती की प्रक्रिया जो वहां पर चल रही थी उसमें अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिल पाई, और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम 30 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे जो बाकी के जिनका परिणाम निकलना था, लेकिन 30 दिन बीत गए। फिर कहा कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे, लेकिन आज 7 महीने बीत गए, अभी तक भी जो नौजवान जिनने परिश्रम करके परीक्षा दी है अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अन्याय बेरोजगारों के साथ है ये। और इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि पुलिस भर्ती में हिमाचल प्रदेश में जब पेपर लीक हुआ था हमने उस पर सख्त कार्रवाई की। एक तरफ हमने अभियान चलाया कि जो दोषी है उनको सजा दी जाए, उनको उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, जहां जहां भी उनके ठिकाने थे सब जगह से गिरफ्तार करके उनके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और दूसरी तरफ हमारे नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया तुरंत नए सिरे से शुरू की और जो निर्धारित शेड्यूल था उसी शेड्यूल के अंतर्गत हमने 1350 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। क्या ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो वहां पर पेपर लीक का मामला होने के बाद इस प्रकार से जिस प्रकार से पुलिस की भर्ती पूर्ण की गई शेड्यूल के अंतर्गत पूरी की तो उसको किया जा सकता था, लेकिन करने की मंशा नहीं थी। उस वक्त वो गालियां देते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे खिलाफ बोलते रहे, और गलत जो है वो गलत है, जिन लोगों ने गलत किया हमने बिल्कुल साफ कहा है उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज मेरा प्रश्न ये है कि उन बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का क्या होगा जो अपना परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दे रखा है लेकिन 7 महीने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकला। सरकार इस पर जवाब दे, और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की कोई प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं है।